अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर वेल। गिव इट टू मी लाइक फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक मज़ेदार सी वीडियो लेके, क्योंकि मैंने ये नोट की कि जो मेरी ऑडियंस है उसको उनको क्विक क्विक रिजल्ट वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मैं आज लड़कियों के लिए क्विक चीज़ें लेके आई हूँ, क्विक रेमेडी लेके आई हूँ कि अगर आपको, मुझे ये लगता है कि अगर आपको फौरी रिजल्ट मिलते हैं तो आपको लगता है कि जी ये चीज़ ठीक है। सबके अपनी अपनी माइंड की बात होती है, लेकिन जो नेचुरल चीज़ें होती हैं ना वो सारी ही फ़ायदेमंद होती हैं। जो आप किचन से यूज़ करते हैं वो सारी फ़ायदेमंद चीज़ होती है। कुछ का रिजल्ट जल्दी आ जाता है, कुछ का बाद में आ जाता है। जो लड़कियां होती हैं वो बहुत परेशान होती हैं। परेशान इसलिए होती है कि वो कोई भी क्रीम अप्लाई करती है ना अपने फेस पे, ऐसे बस यहाँ पे अप्लाई कर देती हैं। डेली रूटीन में अगर फेस वॉश करती हैं सिर्फ इतना फेस वॉश करती हैं, कोई लोशन यूज़ करती हैं सिर्फ इतने स्टेप यूज़ करती हैं। जो नेक है, जो बाजू हैं, जो पाँव हैं, उनको बिल्कुल ही भूल जाती हैं। बहुत कम रखा जाता है अपने हाथ और पाँव का ख्याल। और जब ऐसे बात कर रही होती हैं तो उनका फेस किसी और कलर का होता है, हाथ किसी और कलर के होते हैं। तो उन हाथ और फेस को मैच करने के लिए आज मैं आपके लिए रेमेडी लेके आई हूँ कि आपके हैंड इस रेमेडी के बाद बहुत सॉफ्ट, बहुत वाइट और बहुत ग्लोई हो जाएंगे। और फुट्स भी आपको रेमेडी बताऊँगी, इसको आप अपनी नेक पर भी यूज़ कर सकते हैं, अपने बाजू पर भी। लाइक जिसकी नेक पर ऐसे ब्लैक निशान है वो अपनी नेक पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको हाथों और पाँव पर लगा के दिखाऊँगी और फौरी रिजल्ट आएंगे, आपको बहुत पसंद आएगा। सबसे पहले हम चलते हैं रेमेडी की तरफ। तो जी, जो आज की रेमेडी है उसके लिए हमें सिर्फ ये चीज़ें चाहिए। आप कोई भी शैम्पू ले लें, फेस वॉश ले लें, या फिर हैंड वॉश ले लें, कोई भी आपके घर अवेलेबल है, बॉडी वॉश ले लें, कुछ भी ले लें। तो मैं यहाँ पे बॉडी वॉश ले रही हूँ ओले का। उसके बाद बेकिंग सोडा ले लें, बेकिंग सोडा नहीं है तो मीठा सोडा ले लें। उसके बाद हल्दी ले लें, हल्दी हर घर में मौजूद होती है। उसके बाद एक लीमू ले लें, लीमू लेना है आपने, मेरे पास हमारा तो बड़ा है तो इसलिए मैं फिर आधा ले रही हूँ। और एक वाइटनिंग कैप्सूल ले लें। वाइटनिंग कैप्सूल मेडिकल स्टोर से आम मिल जाते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ रेमेडी क्या है। मैंने 2 pumps इस बॉडी वॉश के डाल दिए, और अगर टेबल स्पून के हिसाब से बताऊँ तो 1 tablespoon आपने शैम्पू डाल देना है, थोड़ी सी आपने हल्दी डाल देनी है। अगर आपके घर में कुछ पूरी हल्दी है तो वो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन मेरे घर में नहीं है तो मैं नॉर्मल हल्दी डाल रही हूँ। साथ आपने बेकिंग सोडा डाल देना, बेकिंग सोडा नहीं है तो मीठा सोडा डाल दें, और ये भी मैं 1/2 tablespoon डालूँगी। तो ये इसमें हम वाइटनिंग कैप्सूल डाल दिया, पूरा लेमन डालना है, मेरा थोड़ा बड़ा है तो मैं 1/2 डाल रही हूँ। इसको अच्छे से लेमन डाल देंगे। सी, घबराना बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। मिक्स कर देना, अच्छे से मिक्स कर देना। एक 1 time के लिए आपका ये मिक्सचर तैयार हो जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये कुछ ऐसे फोम टाइप बन जाएगा। ये देखें, ये फोम टाइप बन जाएगा। अच्छे से मिक्स करते हैं। जब ये कुछ तो ये रेडी है, मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। वीडियो देख लिया करें ताकि आपको ज़रूरत ही ना पड़े किसी को मतलब मैसेज करने की कि आप ही प्लीज़ हमें दोबारा बता दें। अगर आप पहले उसको अच्छे से देख लेंगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़े। नो, आज मुझसे बहुत सारे लोग पूछने वाले हैं, आप ही हम फेस वॉश यूज़ कर लें, आप ही हैंड वॉश यूज़ कर लें, आप ही फेस वॉश, बॉडी वॉश, शैम्पू, हैंड वॉश, इनमें से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल है। कोई भी इसमें हार्ड चीज़ें नहीं है कि जी आपके घर में अवेलेबल नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। ज़रूर ट्राई करना और फिर मुझे दुआ में याद रखना। ऐसा कि आपने पूरा लीमू डालना है, लेकिन हमारे यहाँ पे लेमन बहुत बड़े होते हैं तो मैं 1/2 डाल रही हूँ और पूरा डाल चुकी हूँ। और इसी को फेंकना नहीं है, इसी के साथ हम अपने हाथों पर अप्लाई करेंगे। आप लोगों के सामने अपने हैंड पर अप्लाई करके दिखा देती हूँ। आपने ना इस तरह लगाना है, लाइक ये देखें, ऐसे ऐसे राउंड राउंड करके हाथों पर लगाना है। अच्छे से लगा लेना है, इसका कोई नुकसान नहीं है। और मैं तो इवन इसको अपने बाजू पे भी यूज़ कर लेती होती हूँ। इसको आप अच्छे से अप्लाई करना, मैं इस टाइम रूम में बैठ के अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप वॉशरूम में जाके अप्लाई करना, क्योंकि मैंने तो आप लोगों को दिखाना है तो इसलिए फिर मुझे वॉशरूम में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। सो मैं यहाँ पर हाथों पर अप्लाई कर रहा हूँ, अच्छे से अप्लाई करना। इसकी जो खुशबू है बहुत अच्छी है, मतलब ये आप हिसाब रख लें कि एक हाथ पे आपने 5 minutes तो ज़रूर मतलब इस तरह से गोल गोल करना है, 5 minutes ज़रूर एक हाथ पे, फिर 5 minutes, फिर 5 minutes, फिर 5 minutes, टोटल 20 minutes आपको लग जाएंगे इसको गोल गोल करने में।
तो मैं भी कर लेती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि हर घर में अलाउ नहीं होता कि जी आप जाएं और अपने हाथों और पाँव पे इतने पैसे लगवाएं कि जी मेडिक्योर पेडिक्योर हो रहे हैं, फजूल पैसे ज़ाया हो रहे हैं। हर घर में ही नहीं ये रिवाज होता, तो जिन घर में नहीं रिवाज होता लेकिन खूबसूरत रहना तो हर किसी का हक है, तो आप अपने घर में ही अपना मेडिक्योर पेडिक्योर करें और खूबसूरत तरीन लड़की बन जाएं। आपको लगता है ना किसी के हाथ पे मच्छर काट जाते तो निशान रह जाते हैं, उसके लिए भी बहुत बेस्ट है, आपके हैंड नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। इसी तरह आपने दोनों हाथों पे अप्लाई कर लेना और अपने पाँव पे भी अप्लाई कर लेना। हाथों पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ लेकिन आपने अपने पाँव पे भी अप्लाई कर, अब मैंने इसको अपने अच्छे से हाथों पे अप्लाई कर लिया। अब मैं इसको 10 मिनट, तकरीबन पूरे 10 मिनट लगे रहने दूंगी और पंखे के नीचे रहूंगी ताकि ये थोड़ा ड्राई हो जाए, तो 10 मिनट के बाद मिलती हूँ आपसे। मैं वॉश कर रही हूँ, देखें अभी भी गीले हैं, वॉश कर रही हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट आया मुझे तो जी ये देखिए मैं वॉश कर रही हूँ, अभी भी हाथ भी मेरे गीले हैं और मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और फिर मैंने अपने फुट्स पे भी लगा लिया था, मैंने सोचा लगे हाथ पाँव पे भी लगा लूँ, और फिर मैंने अपने फुट्स पे भी लगा लिया, दोनों फुट्स पे मैंने लगा लिया था। तो जी मैं अपने हैंड वॉश कर रही हूँ और फिर मैंने अपने फुट्स पे भी लगा लिया था, मैंने सोचा कि अब लगे हाथ पाँव पे भी लगा ही लूँ। मुझे तो इस तरह की कोई चीज़ मिल रही हो ना जिससे कोई फ़ायदा है तो मैं तो फटाफट से लगा लेती हूँ। तो मेरे हाथों का रिजल्ट आप देख सकते हैं, आई थिंक आपको नज़र आ रहा हो, बहुत ज़्यादा होता है ना कि एकदम फ्रेश हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ्रेश फील आएगी आपको, बहुत अच्छा फील होगा आपको। ना मेरी माने तो मैं ये कहूँगी कि ब्लीच से कुछ नुकसान नहीं होता, आई नो हर कोई ब्लीच करता है, लेकिन मैं ये कहूँगी पूरी बॉडी पर ब्लीच कर लें आप सिवाय फेस के, क्योंकि वो बहुत तेज़ होती है, फिर एज के हिसाब से आपकी फिर स्किन ढीली होना शुरू हो जाती है। तो मैं ये आपसे कहूँगी सबसे पहले आप लोगों ने ब्लीच ले लेनी, कोई भी ब्लीच ले लेना, उसको अप्लाई कर लेना, 10 मिनट बाद रिमूव कर देना, उसके बाद ये वाली रेमेडी अप्लाई करना। और फिर अगर आपको घर बैठे मैनीक्योर पेडीक्योर का रिजल्ट ना मिला तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर देना। खाली अगर आप ये करेंगे इससे भी आपकी हैंड बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं और वाइट होना है तो सबसे पहले आपने ब्लीच अप्लाई करनी है। पॉलर का स्टाइल अपनाना चाहते हैं, पॉलर का रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो फिर आपको यही करना पड़ेगा, ब्लीच ले लें पहले, वो अप्लाई करें और उसके बाद ये अप्लाई करें। मैं आपको सच्ची सच्ची बता रही हूँ, कोई इफेक्ट नहीं लगा हुआ, मेरे हैंड इतने सॉफ्ट हो रहे हैं, बहुत मज़े के हो रहे हैं और एकदम वैसे फ्रेश फ्रेश फील आ रही है। मैं अपने हाथों का ना शादी से पहले बहुत ख्याल रखती थी, कि अभी भी वैसे बहुत ख्याल रखती हूँ, जैसे कि मुँह हाथ धोती हूँ ना रात को, तो खाली मैं मुँह नहीं धोती, मुँह धोती हूँ साथ नेक भी धो लेती हूँ, साथ पूरे बाजू भी धो लेती हूँ, साथ पाँव भी धो लेती हूँ, और पूरे मुँह पर लोशन लगाती हूँ, पूरे बाजू पर लोशन लगाती हूँ, नेक पर लगाती हूँ और हल्का सा पाँव पर भी लगा लेती हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं पाँव पर भी भर भर के लगाती हूँ, नहीं, हल्का सा पाँव पर भी हाथ मार लेती हूँ, लेकिन मारती ज़रूर हूँ। तो मैं आपको भी यही कहूँगी कि सिर्फ इतनी चीज़ का मत ख्याल रखा करें, ये सारा बॉडी आपका हिस्सा है, खासतौर पर जो चीज़ें नज़र आती हैं, आपके हैंड नज़र आते हैं, आपके पाँव नज़र आते हैं, सारा दिन डस्ट में होते हैं, काम करते हैं, बर्तन धोती हैं, जो खासतौर पर लड़कियाँ, उनके हाथ तो बहुत ही ऐसे, वो कहते हैं ना, मर्दाना टाइप हो जाते हैं। मैं भी अब यहाँ पे बर्तन धोती हूँ, आई हैव अ डिश वॉशर, मेरे किचन में डिश वॉशर भी है, लेकिन जो डिश जो हाथों ने धोने होते हैं ना, वो हाथों ने धोने होते हैं, हमारे यहाँ पे कावलियाँ मिल जाती हैं लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, तो मैं घर में खुद ही बर्तन धोती हूँ, तो मेरे हैंड भी ना शुरू में ऐसे हार्ड से हो गए थे, तो मैंने ग्लव्स पहनना शुरू कर दिया, तो ग्लव्स पहन लेती हूँ लेकिन फिर भी ग्लव्स के अंदर भी पानी घुस जाता है। हार्ड हमारे हाथ क्यों होते हैं मैं आपको बताती हूँ, बर्तन का जो सोप होता है ना उससे हार्ड होते हैं हमारे हाथ, तो वो तो हमने धोना ही धोना है, वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम बर्तन धोने के बाद हम लोग अपने हाथों पे लोशन लगा लें, अपने हाथों का ख्याल कर लें। काम करना घर का कोई बुरी बात नहीं है, बस अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल ना रखना बुरी बात है। जब आप रात को सोते हैं लाजमी मुंह धो के सोया करें, हाथ भी धो के सोया करें, पाँव भी, और भर भर के लोशन लगा लिया करें। आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, जो भी स्किन है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़र चाहिए, आपकी स्किन को लोशन चाहिए, मॉइस्चराइज़र लगा लें, लोशन लगा लें, सेम ही चीज़ होती है, आपको चाहिए, मतलब आपकी स्किन को वो चाहिए। ये हमारी गलत फहमी होती है कि जी हमारी स्किन तो ऑयली है, हमें तो मॉइस्चराइज़र चाहिए नहीं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ऑयली वाला फेस वॉश ले लें और उसको मतलब फेस पे लगाएं, उसके बाद आप लोग लोशन लगा के सोएं। तो ये थी आज की रेमेडी और मुझे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। फर्स्ट तो ये आएगा आप ही जी हम शैम्पू डालने में, आपको दोबारा से बता रहे शैम्पू, फेस वॉश और बॉडी वॉश और हैंड वॉश, कुछ भी है आपके घर में आप लेके यूज़ कर सकते हैं इस रेमेडी में।
और सेकंड बात यह है कि यहाँ पे कस्तूरी हल्दी, कस्तूरी हल्दी का नाम मैंने इसलिए लिया, जो कस्तूरी हल्दी होती है ना वो मतलब आई डोंट थिंक सो कि हर किसी के घर में होती है, लेकिन उसका ये है कि कुछ लड़कियाँ होती हैं वो कहती हैं कि जी हमारे हाथ पे या पे नेल के अंदर वो हल्दी का कलर आ जाएगा, तो कि ये देखिए मेरे नेल्स में भी हल्का हल्का आया, कोई इतना ज़्यादा नहीं आया जी, हमारे नेल में हल्दी का कलर आ रही है, सिर्फ उस वजह से मैं कह रही हूँ, और कस्तूरी हल्दी में और इसमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप अपनी रेगुलर हल्दी यूज़ करें, अगर आपको इतने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपको सिर्फ रिजल्ट ही चाहिए तो अगर आप वो ले लें सेम चीज़ है। तो कस्तूरी हल्दी का नाम मैंने सिर्फ इसलिए लिया था कि जो ज़्यादा उनको जिनके नेल्स बढ़े हैं वो कहेंगे हमें नेल्स में कलर आ गया, उनके लिए वो, और बाकी कोई मुश्किल इंग्रेडिएंट्स नहीं था इसमें। एक वो वाइटनिंग का कैप्सूल था, वो बहुत इजी है, लाइक आप अपने भाई को भेज दें, किसी को भी भेज दें, एक कैप्सूल टाइप मतलब इतने ज़्यादा मिल जाते हैं, पैकेट मिल जाता है वाइटनिंग का, वो आप घर ला के रख लें, वो अपनी जब भी आप ये रेमेडी यूज़ करें आप उसमें लगाएं, कम से कम 2 कोट्स करने, लाइक एक ड्राई हो जाएगा एक कोट कर लेना, फिर वो ड्राई होगा उसके बाद धोना है, धो के मतलब मैंने तो अभी खाली पानी से धोया, मैंने कोई हैंड वॉश वगैरह भी नहीं यूज़ किया, बिकॉज ऑलरेडी उसमें हैंड वॉश था तो मैंने कुछ नहीं यूज़ किया। तो उसके बाद आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना है कि जो बर्तन धो धो के आपके हाथ हार्ड हो गए थे वो सॉफ्ट हुए कि नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा रिजल्ट आ जाए तो सबसे पहले ब्लीच लगानी है, उसके बाद ये लगाना है, उसके बाद आके मुझे कमेंट करना है। आजकल के दौर में तो हर किसी की वैक्स हुई होती है यहाँ पे, मतलब बाजू पे हर किसी की वैक्स हुई होती है, या फिर बाल तो लड़कियाँ उतार ही लेती हैं, तो अगर आप यहाँ पे भी ब्लीच कर लेंगे तो कोई आपका नुकसान नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपके बाल हैं तो फिर आपके बाल गोल्डन हो जाएंगे। तो जिनके बाल हैं वो सिर्फ अपने हाथों पर ब्लीच कर लें और बाजू पे मत करें, जिनके बाल नहीं है वो बाजू पे भी कर लें। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, मैंने सोचा जो लड़कियां बहुत परेशान हैं जिनके हाथ पांव बहुत ख़राब हैं वो बहुत प्यारे हो जाएंगे इसको यूज़ करने के बाद। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोई और क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।